अरे ये तो मेरा टर्मिनल है, इट्स मेरा टर्मिनल। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। Today I'm flying Buddha Air from Kathmandu to Pokhara. Stay tuned, this is going to be super fun. Hey everyone, my name is Antarik. I'm a 28-year-old Indian backpacking around the world, making friends and creating memories. 3 years and 7 countries later, apni kahani to abhi bas shuru hi hui hai. We arrived in Nepal 2 days back and went around exploring the capital city of Kathmandu with the locals. This morning, we are heading back to the airport to fly to the lake city of Pokhara, the second biggest town of Nepal and the country's adventure capital. Airport ke domestic terminal pahunchte hi upar likhe aantarik terminal ko dekhkar main kafi khush ho gaya tha, for obvious reasons. काफी इजी सा चेक इन प्रोसेस करके हम सब ने अपने लिए विंडो सीट्स ले ली थी एंड ऑलमोस्ट नो सिक्योरिटी चेक के बाद हम चले फ्लाइट बोर्ड करने। जस्ट हैड द सुपर क्विक सुपर फास्टेस्ट सिक्योरिटी एवर। क्या सही था, मतलब बैग से कुछ निकलवाए भी नहीं। अपनी फ्लाइट है सिर्फ 30 मिनट की, ऑल द वे फ्रॉम काठमांडू टू पोखरा। अगर आप बाय रोड ही डिस्टेंस कवर करना चाहें तो उसमें इजीली 7-8 घंटे लग जाते हैं, लेकिन आई एम श्योर सबसे एडवेंचरस राइड होगी इन छोटे प्लेन्स में बैठकर। काफी सारे छोटे प्लेन स्पॉटिंग करके हमने बोर्ड की अपनी ATR। एंड टुडे वी आर फ्लाइंग बुद्धा एयर। छोटा वाला प्लेन बट 72 सीटर, नॉट वेरी छोटा वाला। कहा जाता है कि नेपाल के डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑलमोस्ट रोज ही काफी डिले से चलते हैं। सरप्राइजिंगली हमारी बोर्डिंग बिल्कुल टाइम पर हो गई थी। सैडली इसके बाद ऑलमोस्ट 1 घंटे तक हम फ्लाइट के अंदर ही बैठे रहे टेक ऑफ से पहले। हमने टेक ऑफ नहीं किया है, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ बिफोर टेक ऑफ वी आर बीइंग सर्व्ड ड्रिंक्स। पानी ही सही, कुछ तो मिल रहा है। रहो तुम भुक्के, अभी तो डिले है। जैसे ही हमने टेक ऑफ किया काठमांडू से, अगले 30 मिनट तक एब्सोल्युटली एपिक व्यूज मिले हिमालय के। हियर इज अ टिप, If you are taking a flight from Kathmandu to Pokhara, get a right side window seat for the views. बहुत ही epic views है and you must not miss them. Pokhara में landing से just पहले ये बड़ा सा lake दिखा। क्या आप इसका नाम guess कर सकते हैं? Google Maps try कीजिए और नीचे comment करके बताइए कौन सा lake है। Surprise, surprise! Flight land हो गई, कोई खड़ा नहीं हुआ। अच्छा हो गया अब। एयरपोर्ट तो छोटा सा है और यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखी मुझे। द मोस्ट यूनिक बैगेज क्लेम एवर। आप अपना बैगेज टैग दोगे, वो मैच करेंगे, तभी आपको मिलेगा बैग। शांग्रीला में रह रहे हैं हम आज। हम आके पहुंच गए थे पोखरा के एक सबसे गॉर्जियस प्रॉपर्टी में। अगर दुख था तो सिर्फ एक बात का कि अपना स्टे यहाँ सिर्फ 1 रात का था। चलो, फर्स्ट इंप्रेशंस हैव बीन ऑसम। क्विक रूम टूर बिफोर वी मेस इट अप एज यूजुअल। Cool. And this time we do have a view. Pedo or garden ka hi sahi, but better than buildings. So we are now at the International Mountain Museum. This is just 1 kilometer from our hotel. So hum yahan pe walk karke aa gaye hain. दुनिया भर में 14 माउंटेन पीक्स 8000 मीटर से ऊंचे हैं, जिनमें से 8 यही नेपाल में हैं। इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम दुनिया भर के ऊंचे माउंटेन्स और नेपाल के माउंटेन ट्रेडिशंस, कल्चर्स, ट्राइब्स, फ्लोरा और फौना को डॉक्यूमेंट करता है। यहाँ आप इजीली 2 घंटे स्पेंड कर सकते हैं सारी चीजें एक्सप्लोर करते हुए। आपको पता था कि शेरपा लोग जो होते हैं, दे आर एक्चुअली ट्राइब ऑफ नेपाल। मैं तो सोचता था कि एवरीवन लाइक ऑल द पोर्टर्स एंड एवरीवन हु क्लाइम्स द हिमालयस दे आर कॉल्ड शेरपास। आज पता चला दे आर अ ट्राइब। माउंट मनसलू व्हिच इज वन ऑफ द 8000, उसका मॉडल भी बना हुआ है। जो स्वाति और मैं बहुत मुश्किल से चढ़ पाए।
And we made it up. We made it to the summit, our first 8,000er. शाम को अपने होटल में कुछ नेपाली ट्यून सुनकर हम पहुंचे पोखरा लेक साइड में एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए, जहां हमें एक ट्रेडिशनल फोक डांस देखने को मिला। अगली सुबह जल्दी उठकर हम पोखरा के एक पहाड़ के ऊपर बसे शांति स्तूप पहुंच गए, ताकि इस काफी पॉपुलर जगह को क्राउड्स के आने से पहले एक्सप्लोर कर सके। आप यहां कार से सीधे ऊपर पहुंच सकते हैं, या फिर फेवा लेक से बोटिंग करके फिर पहाड़ हाइक करके चढ़ सकते हैं। जस्ट लाइक ऑल शांति स्तूपस इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, यहां भी बुद्ध के चार स्टैचूज हैं चार डायरेक्शन में। बट यहां की स्पेशलिटी ये है कि ये चारों स्टैचू चार कंट्रीज से लाए गए हैं, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड और जापान, और फिर साथ में यहाँ स्थापित किए गए हैं। अपना अगला स्टॉप था यहाँ का पॉपुलर वाटरफॉल देवीज फॉल और पाताले छांको। और फिर हम चले रोड के दूसरे साइड पर बना गुप्तेश्वर महादेव केव के एंट्रेंस पे। Walking inside Gupteswar Mahadev Cave. Super cool cave right in the middle of Pokhara. हमारे ऊपर main road है. And right there at the end you can see Devi's Falls. दिख रहे हैं? हल्का सा. Mind your head. ये थोड़े बहुत साइट सीइंग करके अब टाइम हो चला था पोखरा से निकलने का। निकल चुके हैं हम घांद्रुक के लिए। It's about a 3.5 hour ride. अब तक मुझे लगा था 2 घंटे टॉर्चर झेलना पड़ेगा, अभी 3.5 घंटे झेलना पड़ेगा। So, राम भैया में लेके जा रहे हैं and let's see how this goes. So we chose to take the Sarangkot route to Ghandruk. यहाँ पे paragliding बहुत awesome वाला होता है with this entire lake view. That is Feva Lake and आप Pokhara roughly देख सकते हो। Foggy है काफी तो पता नहीं चल रहा इतना, but yeah, like it's a nice view. 3 घंटे के काफी bumpy ride के बाद हम पहुँच गए Ghandruk village. Apparently यहाँ से हिमालय के views काफी सुंदर हैं, but अभी तो clouds ने सारा view ढका हुआ था। हमारी गाड़ी ने तो हमें यहीं पर ड्रॉप कर दिया। अब हमें स्वाति गाइड लेके जाएंगी जहां भी जाना है हमें। यहां अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया प्रोजेक्ट या एकैप के ऑफिस में इनके ऑफिशियल से बात करके हमने जाना कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन अन्नपूर्णा रीजन में काम कर रही है और ट्रैकिंग को सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से करवा रही है। वी जस्ट गॉट वेलकम्ड एट द एकैप ऑफिस एंड अब हम जा रहे हैं अपने गेस्ट हाउस, जो अराउंड 10 मिनट का वॉक है। एंड डू यू सी समथिंग डिफरेंट? द जैकेट इज फाइनली आउट, ठंड हो रही है यहाँ पे। वेलकम टू गुरुंग कॉटेज, और इन व्यूज के साथ इट्स टाइम फॉर अ रूम टूर। Yeah, that's about it. And we have attached washroom. Wo bhi western toilet. I mean, come on. This is absolutely unexpected. And this is the restaurant. Well, agar abhi tak aapne guess nahi kiya ki main yahan kya kar raha hu, then let me tell you. So yes, I'm here for the Annapurna base camp trek. This is going to be actually my first ever high altitude trek. तो मैं थोड़ा nervous तो ज़रूर हूँ। पता नहीं हम कितने prepared हैं इसके लिए, but this should be good fun. And if we are lucky, we should be getting amazing views. Anyways, I'm going to end this vlog right here. Make sure you like it, leave a comment below, and subscribe to the channel if you haven't yet. I'll see you next time from the Annapurna Base Camp Trek vlog. Stay tuned. Bye bye.
from Kathmandu. We checked into the domestic airport, which was made on my name somehow. Like the Nepal government didn't ask for permission. Basically, in the Himalayan country, so what do I say? We are going to Mount Manaslu at the International Mountaineering Institute. चढ़िए ड्रेस पहन के लोग मतलब तैयार हुए ही नहीं है पता नहीं कैसे चढ़ेंगे दिस इज 8000 वी आर ट्राइंग बहुत मुश्किल है यार बी केयरफुल ट्रैकिंग शूज ओके आई या व्हाट आर यू रेडी दैट्स कॉल्ड टैलेंट दैट्स कॉल्ड एंड वी मेड इट Yay! Yeah! Victory selfie, yes. Kids enjoying the view from the mountaintop. Dal bhat, apna first. And ye dekho bhookhe pyaase log. Bahut zyada. Thuse ja rahe. To har jagah thus laya hi kar hame. तुम जब बताना चाहता है बेसिकली नेपाल में हम पूछ रहे हैं